तो ये आप देख सकते हैं, खुशी है इस बात की कि अच्छा रिजल्ट आया है और इसलिए सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, केक कटिंग हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट आगे भी अच्छा है। क्वांटम एकेडमी जहां पर बच्चों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं कॉमर्स में और CBSE प्लस टू का रिजल्ट आ चुका है, बिजनेस स्टडी में बच्चों के हाईएस्ट स्कोर आए हैं 99 और अकाउंट्स की बात करें तो 97 हाईएस्ट है और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इको की बात करें तो 93 हाईएस्ट है और ये बच्चे अब आगे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ अपना बेहतरीन देंगे और अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। खुशी का मौका है और हम आपको लेकर पहुंचे हैं क्वांटम एकेडमी में जहां पर उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया है, चाहे वो 10 CBSE बोर्ड की बात करें या फिर प्लस टू CBSE बोर्ड की बात करें। ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स में अच्छे स्कोर हासिल किए हैं। अगर बात की जाए बिजनेस स्टडी की तो 99 अंक सबसे ज़्यादा आए हैं, अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो 97 अंक आए हैं, वहीं इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 93 अंक आए हैं यानी कि 93। और बच्चों में खुशी है कि उनका स्कोर अच्छा आया है और ये तमाम बच्चे अपने स्कूल्स के टॉपर हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, कोई अकाउंट्स में है, कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई बिजनेस स्टडी में है और इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहे। इन्हें 1100 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये बड़ी ट्रॉफी शानदार जो बच्चों के सम्मान के लिए है, उनके पेरेंट्स के सम्मान के लिए है, साथ ही साथ घर में भी खुशी रहेगी और बकायदा जब रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे कि बच्चे के स्कोर क्या रहे, उसने कहां से पढ़ाई की थी। तो बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्वांटम एकेडमी। हमारे साथ उनके डायरेक्टर भी जुड़ेंगे, तमाम और टीचर भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि इतना अच्छा स्कोर बच्चों का आखिर आया कैसे है। और आप देख सकते हैं सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। अगर आप भी 10th में हैं तो आप यहाँ पर तैयारी के लिए आ सकते हैं, 9th-10th के बच्चे आ सकते हैं, फाउंडेशंस की जो तैयारी रहती है। और इसके अलावा अगर आप +1, +2 में हैं, आप बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, आपने कॉमर्स ली है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी होगी ताकि आप आगे MBA करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं या फिर CA बनना चाहते हैं तो आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी। और तमाम बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पहले बच्चों से बात करेंगे कि उनका स्कोर कैसा रहा, किस तरीके से क्वांटम एकेडमी की जो एक डायरेक्शन थी वो उन्हें मिली और इतना अच्छा स्कोर उनका आया। बेटा आप बताएं कैसा स्कोर रहा आपका और किस तरीके का अनुभव आपका? मेरे अकाउंट्स में 97 और मेरा बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, जिस पर तरह पढ़ाया जाता है, बच्चों को डाउट्स क्लियर होते हैं, हर चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है भी ये चीज़ कैसे हो रही है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके दिखाते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हम मतलब अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करके देख सकते हैं, अकाउंट से रिलेट कर करके समझाया है। तो हाईएस्ट आपकी आए हैं अकाउंट्स में? यस सर। तो आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके पेरेंट्स खुश हैं इस बात से कि अच्छा स्कोर बच्चों ने हासिल किया। आप बताएं आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरा नाम लवण्या है, मैंने 97% स्कोर किया और मैं स्कूल टॉपर हूँ। मैं इसका पूरा क्रेडिट तनु सर मेगा मैम को देना चाहती हूँ। 11th में जब हम आते हैं तो ये जो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स होते हैं हमारे लिए नए सब्जेक्ट होते हैं, तो वो एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे बेस काफ़ी अच्छा बन गया जिसकी वजह से आगे की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। लास्ट के टाइम में मैम ने सर ने 20-25 हमारे मार्क्स लिए जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंट इतना अप हो गया था कि अब हमें पता था कि हाँ अब तो अच्छा स्कोर कर ही देंगे। बिल्कुल, बच्चे आप उनका धन्यवाद करते हुए नहीं थकते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बताएं आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरे 93% और 93 इको
इकोनॉमिक्स टॉपर. ऑल दिस क्रेडिट गोज टू मेघा मैम आर इकोनॉमिक्स टीचर. उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत कराई, इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा आया. बिल्कुल, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया. एक बार अपने लिए तालियां बजा दें आप. और उम्मीद करते हैं क्वांटम एकेडमी का रिजल्ट इसी तरीके से अच्छा आता रहे, कॉमर्स में भी साइंस में भी. आप बताएं कैसा रिजल्ट रहा आपका? सर मेरा नाम कुशल है और मेरे ओवरऑल 92% बने स्कूल में. तो जैसे भी हम 11th में आते हैं तो एकदम हमारे नया होता है, हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई गाइड की ज़रूरत होती है. तो सर और मैम ने हमारे लिए ऐसी गाइड की तरह हमारी हेल्प करी और हमें पूरा गाइड किया 11th 12th में, जिसकी वजह से आज हमारा इतना बढ़िया स्कोर आया. बहुत अच्छी बात है. आप बताएं आपका रिजल्ट कैसा रहा, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या अंक रहे? सर मेरा नाम चिराग है और मेरे अकाउंट्स में 95 आया है और इकोनॉमिक्स में 93 आया है. और मतलब सारा क्रेडिट तनुज और मेघा मैम को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मतलब मेहनत से मतलब सिखाया है सब कुछ. बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 से ज़्यादा अंक आए हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे बच्चे बैठे हैं जो अपने स्कूल के टॉपर हैं. कोई इकोनॉमिक्स में है, कोई अकाउंट्स में है, कोई बिजनेस स्टडी में. आप बताएं कैसा रिजल्ट रहा आपका? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और सर ने लास्ट के डेज में NCERT एग्जाम्पलर NCERT के सारे 2 to 3 times करा चुके थे सर. और लास्ट के कुछ दिनों में पेपर के सर ने 8 to 10 hours भी कराए हैं लास्ट के डेज में. तो बहुत अच्छा रहा सर. बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, इसी तरीके से आगे भी अच्छा रिजल्ट आता रहे. आप बताएं आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरा नाम प्रथम है और मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया गया. सर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, सर का वे ऑफ टीचिंग मेरे को बहुत पसंद है. सर प्रैक्टिकल वे से सबको एग्जाम्पल दे लेके समझाते हैं और उनकी हेल्प से मेरे मैथ्स में हाईएस्ट आए हैं. कितने परसेंट आए हैं आपके वैसे? वैसे 85% और मैथ में कितने मार्क्स आए? 93. आप देख सकते हैं मैथ में 93 अंक आए हैं. बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए हैं. आप बताएं आपका स्कोर कैसा रहा और किसे क्रेडिट देते हैं आप? जी सर, मेरा नाम नितिन है और मैं +2 कॉमर्स में पढ़ता हूँ तनुज सर के पास. तो जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में 95 आए हैं, इकोनॉमिक्स में 90 एंड बिजनेस में 96. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे नंबर आए और मेरे कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं. तो इसका जितना भी क्रेडिट है मैं सर को ही दूंगा. तो क्योंकि सर ने लास्ट टाइम पे 20 to 25 मॉक टेस्ट करवाए, डाउट सेशंस बहुत अच्छे से हुए और हमारा कंसेप्ट सर बहुत क्लियर है. और उसके साथ साथ सर हमें अभी CA की फाउंडेशन की क्लासेस भी दे रहे हैं. तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है. आखिर के दिनों में लगातार मॉक टेस्ट होते रहते हैं, बच्चों को कोई भी परेशानी होती है उसका जवाब तुरंत मिल जाता है और इसलिए बच्चे अच्छा स्कोर लेकर आते हैं. आप बताएं आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरा नाम संचित है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ में 99 आए 100 में से और अकाउंट्स में 95 आए हैं. ये सारा क्रेडिट मैं मेघा मैम और तनुज सर को देना चाहूँगा, उनकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स अच्छे आए हैं. सर इतनी मेहनत कराते हैं हमसे कि मुर्दे में भी जान आ जाएगी, इतनी अच्छी तरह से सर ने पढ़ाया हम सबको. और जैसे कि आप टॉपर बन गए बिजनेस स्टडी के, सबसे हाईएस्ट शायद आपकी. जी सर. और सर इसके बाद सर हमें CA फाउंडेशन की कोचिंग भी दे रहे हैं, उससे हमारा रिजल्ट और इम्प्रूव होगा. CA में हमारे को सर की वजह से हेल्प मिलेगी ताकि हम CA में अच्छा स्कोर कर सके और हम CA बन सके जल्दी. बिल्कुल, बहुत बच्चे CA बनना चाहते हैं, कोई CS क्लियर करना चाहता है, कोई MBA में जाना चाहता है. बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन उसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है एक अच्छे टीचर की. तनुज सर हमारे साथ हैं, मेघा मैम हमारे साथ हैं. सर बताएं अकेडमी में कैसा रिजल्ट रहा, किस तरीके से बच्चों की तैयारी हुई और कितने खुश आप इन बच्चों के रिजल्ट से? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम टाइम पर आते हैं और हमारी आवाज़ हमारी बात करनाल के कोने कोने तक पहुंचाते हैं. और दूसरा, जितना भी आप ये रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा कि फिर से आप इतना बेहतरीन रिज़ल्ट जो देख पा रहे हैं उसका सीधा सीधा जो मैं पॉइंट गिनवाना चाहूँगा वो है हमारे कि हम बेसिक स्ट्रॉन्ग जो बच्चों के करवाते हैं. बच्चों के एक बार ही जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उनके जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी होता है वो भी उनके लिए ईजी बन जाता है. तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर को यही अपील करना चाहूँगा, जितने भी पेरेंट्स हैं अगर उनको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की कोई प्रीवियस नॉलेज, चाहे वो 9th 10th में मैथ्स साइंस SST में कुछ कम रह गई है या +1 +2 में कॉमर्स में कुछ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ में उनकी कोई प्रीवियस नॉलेज जो है वो कम रह गई है, कहीं उनकी नींव कम रह गई है मैं कहूँगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का हम काम यहाँ पे बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं. तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई तो अपने बच्चे को आप ज्वाइन करवा सकते हैं क्वांटम अकेडमी सेक्टर 14 करनाल. और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि जब रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, या रूट्स जब गुड होते हैं तो रिजल्ट भी गुड होते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों के हमने रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दी है कि उनके रिजल्ट्स इस तरह से बेहतरीन देख रहे हैं आप कि हर स्कूल से हमारे पास टॉपर आया हुआ है. बिल्कुल, हर स्कूल से बच्चा यहाँ पर आया हुआ है जिन्होंने टॉप किया है. और
जब जड़ मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है अच्छा रिजल्ट आता है। मेघा मैम है हमारे साथ। मैम, कौन कौन से सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और किस तरीके का रिजल्ट आया है, क्योंकि एक बच्चे के तो 99 अंक भी आए हैं बिजनेस में। मैं एक्चुअली यहाँ पे सर इकोनॉमिक्स और बिज़नेस लेती हूँ। तो वैसे तो देखिए सर आपको बता ही चुके हैं, बच्चे भी बता चुके हैं, मेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ना क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे वर्क करते हैं। देखिए जब क्वालिटी अच्छी होगी ना तो क्वांटिटी तो भगवान की दया से अपने आप हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे बच्चा क्या है कैसा है वो माँ की परवरिश बच्चे के रूप में दिखती है। हमारी मेहनत आप देख सकते हैं बच्चों के रूप में आपको दिख गई है। बस इसके साथ मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं। सर की डेडिकेशन और मेरी डेडिकेशन हमेशा बच्चों के साथ रही है। एक बात होती है कि देखिए एफर्ट तो हर कोई डालता है, लेकिन बात होती है बच्चे को ना कोऑपरेट करने की। तो कोऑपरेशन के मामले में भी ना हम लोग का हमेशा बच्चों के साथ कोऑपरेशन रहा है कि बच्चे को कोई सुख दुख है कुछ भी हम हमेशा साथ खड़े हैं। देखिए एक होता है ना टीचर ने पढ़ाया, वो तो सभी पढ़ाते हैं ठीक है ना, बच्चे को कोऑपरेशन भी बहुत चाहिए होता है। जब बच्चा फैमिलियर हो जाएगा ना आपके साथ तो वो अपना पूरा 100% देगा। और मैं हमेशा ये श्योर करती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ ना बिल्कुल फैमिलियर रहे ताकि वो अपना 100% दे सके। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आगे भी इससे बेहतरीन रिजल्ट बच्चों का आएगा। अगर आपका बच्चा 9th-10th में है तो मैथ, साइंस और SST ये आप लोगों के लिए सब्जेक्ट हैं। आप आ सकते हैं करनाल के सेक्टर 14 में क्वांटम एकेडमी में। और अगर आप +1 +2 में कॉमर्स ले रहे हैं तो फिर चाहे वो अकाउंट्स की आप ट्यूशन रखना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे अंक आए हैं। उम्मीद करते हैं अपनी ज़िंदगी में बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि एक पेपर एक रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी निर्धारित नहीं करता है। ज़िंदगी में आगे बहुत सारे मौके आएंगे जब आप अच्छा कर पाएंगे, और इन तमाम बच्चों को अच्छे रिज़ल्ट के लिए शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।